स्वागत है आप सबका विटालिटी T20 ब्लास्ट एक और वीडियो के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर लैंकाशायर लाइटनिंग वर्सेस नॉटिंगम शायर के बीच में, जो खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पे। मैच टाइमिंग है रात के 11 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलेगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। लास्ट मैचेस के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कल अपन यहाँ पे 2-3 मैचेस खेले थे। सरी वर्सेस कैंट की बात करते हैं तो इस गेम में देखो यहाँ पे टोटल 33 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे थे, 32 कॉन्टेस्ट वहाँ पे विन किया और आप देख सकते हो 25 मेंबर्स में दूसरा रैंक आया और तीसरा रैंक आया था, और जो 11 मेंबर्स की लीग थी उसमें पहला रैंक आया था। तो कोशिश करेंगे अपन वही कंसिस्टेंसी लेके चलिए इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी अपनी फिलहाल चल रही है, और बेटर कर सकते थे जैसे कि सैम करने के बदले इस मैच में विल जैक्स को कैप्टन कर सकते थे और अबैट को वाइस कैप्टन कर सकते थे। तो कोशिश करेंगे और बेटर करें, लाइफ है भाई साहब, इसमें हमेशा सीखते रहते हैं हर दिन। और फिर एक और मैच के रिजल्ट्स की बात करते हैं। ये भाई साहब क्या मैच था, जो हैम्पशायर और मिडल सिक्स का गेम था, इसके अंदर टोटल मैंने 32,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, 92,000 रुपये विनिंग थी। चार कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे, 3-4 मेंबर के, और चारों के अंदर पहला रैंक आया था। आप देखें यहाँ पे लुक हॉलमन, जो मैंने वीडियो में बात करी थी, बहुत बड़ा पंत रहेगा इस वन्यू के ऊपर, अच्छा डालता है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, वो आता है और अपना यहाँ पे ड्रीम इलेवन गेम चेंजर बना था। नेथानलिस कैप्टन थे, लुकवुड यहाँ पे वाइस कैप्टन थे। पर मैं आपको एक और चीज कहूंगा, मैंने पहले कैप्टन किया था विंस को और बेन मैकडरमॉन्ट को, ये दोनों को अगर इनको करता तो भाई साहब ग्रैंड लीग निकल सकती थी, क्लियरली कहूँ तो आपसे मैं। तो यही फायदा भाई साहब स्टैट्स देखने का, वीडियो एनालिसिस करने का। और जो ड्रीम इलेवन पे एक मिस्टेक हो गई थी, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल देखा हो वहाँ पे मैंने टॉबी अल्बर्ट ले लिया था, लेना था मेरे को टॉम प्रिस्ट को, जल्दबाजी के अंदर मैं यहाँ पे ये प्लेयर गलत ले लिया था, वहाँ पे मैंने टॉबी अल्बर्ट को सेल भी किया था। अगर आपने मेरा बाई सेल वाला जाके एक्सचेंज 22 का देखा हो टेलीग्राम के ऊपर, तो कोशिश करेंगे अपन और बेटर करें। ये गेम पूरा वन साइडेड अपने हाथ में था, पर वहाँ पे मैंने एक गलत प्लेयर ले लिया बाई मिस्टेक, मेरे को पता ही नहीं था मैंने टॉबी अल्बर्ट को लिया, मैं लेना चाहता था टॉम प्रिस्ट को। मैं मैच के बाद देखता हूँ भाई साहब यहाँ पे तो टॉबी अल्बर्ट है मेरे पास, टॉम प्रिस्ट 65 पॉइंट देखे गया था, वीडियो में उस बंदे के बारे में बात भी करी थी मैंने, मतलब क्या ही कहूँगा यार, मैं बहुत दुखी हुआ था जहाँ पर 25 मेंबर्स में 5वां 7वां रैंक आ रहा है, वहाँ पर पहला रैंक आना था करीबन कोई 50 पॉइंट के मार्जिन से, वहाँ पर मेरे को सिर्फ 4 पॉइंट मिले टॉबी अल्बर्ट के, मतलब एक मैंने गलत प्लेयर बाई मिस्टेक ले लिया, बहुत लफड़ा हुआ उस गेम के अंदर, वरना वन साइडेड पूरा गेम जाता है, मेरे को बहुत दुख हुआ। रात को 15-20 मिनट तक मेरे को नींद नहीं आई, मैं सोच रहा था मैंने क्या कर दिया है मिस्टेक, मतलब अनजाने में मिस्टेक भी थी वो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, यूट्यूब के ऊपर अपडेट मुश्किल देना होता है, तो मैं कहाँ पे अपडेट दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। जुड़ना कैसा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पे पिच रिपोर्ट की तरफ। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पे गेम है, 26 मई को यहाँ पे लास्ट टाइम मैच हुआ था लैंकाशायर वर्सेस लीचेस्टरशायर के बीच में। आप देखो उस मैच में क्या होता, मैं आपको समझाता हूँ, वह कुछ नहीं था भाई साहब उस मैच के अंदर। ये देखो आप, ये देखें आप, इसमें हुआ ये था कि जो टीम पहले यहाँ पे बल्लेबाजी करने आती है 99 रन बनाती है 10 विकेट गवा के, लीचेस्टरशायर सिमट गई। फिर जो टीम चेस करने आती है लैंकाशायर, वह 105 बना देती है 12 ओवर के अंदर टारगेट चेस, मतलब आप समझ रहे हो क्या टीम है लैंकाशायर इस सीजन के अंदर। और फिर उससे पहले 161 बना टारगेट, यहाँ पे चेस हो गया 16th ओवर के अंदर ही 168 बना टारगेट चेस हो गया, 3 बॉल रहते, 153 बना टारगेट यहाँ पे चेस हो गया, 219 बना टारगेट चेस नहीं हुआ पर 200 बन गए थे वहाँ पे, 183 बना टारगेट लगभग यहाँ पे चेस हो गया था। तो बहुत ही बढ़िया वेन्यू है यहाँ पे, 180 के आसपास स्कोर बनते हैं, अच्छा खासा वेन्यू है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है, और ये होम ग्राउंड है लैंकाशायर लाइटनिंग का। लैंकाशायर लाइटनिंग यहाँ पे 101 मैच खेल चुकी है और 76 मैचेस जीती है, कमाल की टीम है लैंकाशायर लाइटनिंग, वन ऑफ द बेस्ट टीम एट दिस वेन्यू, होम ग्राउंड का अच्छे से इस्तेमाल करती है। नॉटिंगहमशायर 10 मैच खेली इस वेन्यू पे, 2 मैच जीती है, और इस वेन्यू पर हुआ क्या मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट 7 मैचेस में बैटिंग फर्स्ट 3, बैटिंग सेकंड 3 मैच जीते गए हैं और एक मैच यहाँ पर टाई हुआ है, लास्ट 7 मैचेस की बात करता हूँ मैं। और जो लास्ट गेम था लैंकाशायर लीचेस्टरशायर का, उस गेम में 10 विकेट पेसर का था, 2 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था, पर्किंसन याद हो तो आपको, रियान अहमद, वो दोनों ने एक एक विकेट निकाला था वहाँ पे। ओवरऑल बॉलिंग फिगर्स लास्ट 7 मैच में पेसर्स के नाम 55 विकेट्स है, स्पिनर्स के 25 विकेट्स हैं। यहाँ पे पहली पारी में पेसर्स तेज गेंदबाज 32 और 23 विकेट्स हैं पहली और दूसरी पारी के अंदर, स्पिनर्स पहली पारी में 13 और दूसरी पारी के अंदर 12 विकेट्स है, राइट आर्म पेसर 44, लेफ्ट आर्म पेसर 11 विकेट्स है, ऑफ स्पिनर्स का 6 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 10 विकेट है, लेग स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 8, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 1 विकेट है। और ये डेट चेंज कर लेना, लास्ट मैच 25 मई को हुआ था, 26 मई को नहीं, ठीक है, चेंज कर लेना। एक अब देखें पिच की फोटो ऐसी दिखती है, जब लास्ट टाइम यहाँ पे मैच हुआ था पिच के ऊपर ग्रास थी, आमतौर पर ओल्ड ट्रैफर्ड की पिचेस पे ज़्यादा ग्रास देखने को नहीं मिलती है, ये देखो ऐसी पिच थी लास्ट मैच के अंदर, ये अपने लियम लिंगस्टन है टॉस के टाइम खड़े थे यहाँ पे आके,
और ये लास्ट ईयर की पिच की फोटो है, लास्ट ईयर की। आमतौर पर ऐसी पिच होती है, ज़्यादा ग्रास नहीं होती, ड्राई सरफेस होता है। देखते हैं इस मैच में कैसी पिच होती है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। सामने की बाउंड्री 70 मीटर है, स्क्वायर बाउंड्रीज एक तरफ 77 दूसरी तरफ 65 मीटर होती है यहाँ पे, तो ठीक ठाक मैदान है। स्क्वायर बाउंड्रीज तो हमेशा बदलती रहती है, आपको पता ही है। और इस स्टेडियम का व्यू है, खूबसूरत है, मैदान है, मैनचेस्टर सिटी है ये, और सब जानते हैं भाई मैनचेस्टर किसके लिए पॉपुलर है। अपने जीके में क्वेश्चन आता रहता था भाई, अपना अहमदाबाद या गुजरात में बोलते हैं ना, सूरत वगैरह के अंदर ये अपना मैनचेस्टर है, तो किस लिए बोला जाता है कमेंट करके बताओ मेरे को, जो जीके देखते हैं भाई साहब। अब देखो यहाँ पे टीम न्यूज़ की बात करते हैं, तो लैंकाशायर के अपन ने हर मैचेस कवर किए हैं, तो अपने को पूरा आइडिया इस मैच में क्या चल रहा है लैंकाशायर की टीम के अंदर। फिर देखें यहाँ पे नॉटिंघमशायर, कैप्टन है स्टीवन मुलानी, ओवरसीज प्लेयर डैन पैटरसन, कॉलिन मनरो, शेन अफरीदी, टाइटल दो बार जीता है 2017 और 20 के अंदर। लास्ट ईयर इस टीम ने 9th पोजीशन के ऊपर फिनिश किया था, दोनों नॉर्थ ग्रुप की टीम है, तो नॉर्थ डार्बी है, नॉर्दर्न डार्बी। दोनों टीम्स ने आपस में 30 मैच खेला है, जब भी दोनों टीम्स खेलती है ना भाई साहब, बड़ा रोमांचक मैच होता है। एक तरफ एलेक्स हिल्स होता है, सामने आपको दिखता है लीम लिंगस्टन, एक तरफ जो क्लार्क है, एक तरफ आपको फिलिप्स रॉड दिखता है। ये भाई जो मैच होगा ना, ये घातक मैच होने वाला है। एक तरफ डरल मिचेल है, एक तरफ कॉलिन मनरो, न्यूजीलैंड के ओवरसीज प्रो बैटर्स। तो भाई देखने लायक गेम है। लैंकाशायर 11 मैच जीती है, नॉटिंघम 15 जीती है, शॉकिंगली एक मैच टाई हुआ है, 3 मैच नो रिजल्ट गया। लेट्स सी क्या लैंकाशायर बदला ले पाएगी। 11 की बात करते हैं, लुक वेल्स ओपन करेंगे सॉल्टी के साथ, स्टीवन ग्रॉफ लोंडाउन है, लिविंगस्टन डूडाउन है, डरेल मिचेल, कॉलिन डिग्रेंडो में, जॉर्ज बेल, टॉम आटली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, लुकवुड पार्किंसन, शाकी महमूद आपको खेलता हुआ दिखेगा। अब देखो इस टीम में कितने बॉलर्स, आपको पता है आखिरी में बताता हूँ मैं जब ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। नॉटिंघमशायर जो क्लार्क के एलेक्स हिल्स ओपन करेंगे, कॉलिन मनरो वन डाउन है, मैट मोंटोगोर्मी आएंगे यहाँ पे जो अच्छे खासे प्लेयर हैं, टॉम मूट्स, स्टीवन मुलानी, फिर आते हैं यहाँ पे लेडन जेम्स, समित पटेल, शेन अफरीदी, बहुत घातक स्पेल रहेगा इनका नई गेम से, मैट डिसाइडिंग स्पेल हो सकता है, मैथ्यू कार्टर, कॉनर एम्सीगर, यहाँ पे एक प्लेयर है जो सरीस इस टीम में आए हुए हैं लोन के तौर पे। यहाँ पे लोन चलता है आपको पता है क्रिकेट के अंदर भी, अपने इंग्लैंड में लोन मतलब एक प्लेयर अगर उनके स्क्वाड में जगह नहीं बना पा रहा, समझिए एक टीम है सरी की, उसमें जगह नहीं बना पा रहा कॉनर एम्सीगर, तो दूसरी टीम क्या कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि आपका जो प्लेयर आपकी टीम में जगह नहीं बना पा रहा स्क्वाड के अंदर, तो आप इस प्लेयर को कुछ दिन के लिए मेरे को दे दो, हम आपको फंड दे देंगे। तो ये होता है लोन वाला सिस्टम इस टूर्नामेंट के अंदर। और भाई कल फाइनल है 28 मई को, तो साइन अप कर लो जाके विजन 11 पे, 5 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है, 5 लाख का। रेफर कोड स्टार्ट जरूर लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। प्रैक्टिस मैचेस की बात करते हैं, बेंच पे देखो कौन कौन रहेगा, कैलम एंडरसन, जैक ब्रूक्स, हसीब हमीद, डैन पैटरसन। नॉटिंघम की प्रैक्टिस मैच की बात करते हैं, समित पटेल ने 2 रन + 3 विकेट निकाला, कैलवन हैरिसन 1 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 9 रन बल्ले से + 1 विकेट, 42 रन 0 विकेट है, मैथ्यू गार्टर 1 विकेट 0 विकेट है, मोंटोगोर्मी 12 रन 3 रन, पर इसने पिछले मैच में आके 50 कर दिया। या लैंकाशायर के प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड है। अब सबसे मेन चीज आती है यहाँ पर, हेड टू नंबर्स, वेन्यू नंबर्स और प्लेयर का फॉर्म। तो देखो लुक विल्स ने 2 मैच खेला हेड टू के अंदर, 18 रन है, 164 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग एक ही बार करी, 18 नाबाद बनाया था। और एक और बहुत बड़ी बात आपसे कहूंगा, लुक विल्स एक्स प्लेयर है नॉटिंघम शायर का, पहले नॉटिंघम के लिए खेलता था लुक विल्स, फिर इस टीम में आ गया ये, तो एक्स प्लेयर है, तो एक्स प्लेयर के अगेंस्ट अच्छा करना चाहिए। 9 मैच में 69 रन है, स्वैनी के ऊपर 0, 4 नाबाद, चेस के ऊपर 30, 5, 26, 4, बहुत बढ़िया प्लेयर है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालता है। फॉर्म देखो 4 रन 0 विकेट, 67 रन 16 रन 14 रन। सॉल्टी आते हैं, हेड टू हेड के अंदर 11 रन है बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 14 मैच में 415 रन है, 32 की औसत है, लास्ट मैच में 28 किया था चेस करते हुए इसी वेन्यू के ऊपर, 19, 59, 29, 19, 70 नाबाद, 38 बैट फर्स्ट है, चेस के ऊपर कंसिस्टेंसी थोड़ी कम दिखी है, अच्छा प्लेयर है, आईपीएल मैचे टच में था। स्टीवन ग्रॉफ 34 मैचेस के अंदर 43 की औसत है, हेड टू हेड के अंदर 638 रन है और 24 इनिंग्स के अंदर 6 टाइम 50 है, 4 टाइम 30 to 50 के बीच में स्कोर किया है, जब भी दोनों टीम्स खेली है हर बार खेला ही है, हर बार खेला है, चाहे मैच अबॉन्डेंड हुआ चाहे रद्द हुआ कुछ भी खेला है हर बार। वेन्यू के ऊपर 93 मैच के अंदर 2000 रन है, 119 का स्ट्राइक रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ये, वेटरन प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, 46 नॉट आउट लास्ट मैच में किया था उसने इसी वेन्यू के ऊपर लीचेस्टर के अगेंस्ट। लिविंगस्टन 6 मैच में 123 का स्ट्राइक रेट, 7 विकेटें हैं, 97 रन है, एटवर्ड के अंदर खराब नंबर है वैसे, 9, 3, 33, 22, 30 बॉलिंग सेकंड करा है, 4 मैच में 7 विकेटें हैं, पर बॉलिंग कभी कभार ही करते हैं ये। वेन्यू के ऊपर 37 मैच में 1000 रन है, 18 विकेट्स हैं और 149 का स्ट्राइक रेट है, बहुत डेंजरस प्लेयर है लिविंगस्टन।
लास्ट मैच में ना बैटिंग करी ना बॉलिंग करने आया लिविंगस्टन, गजब प्लेयर है पूरा। डेरिल मिचेल का एक मैच में 25 रन प्लस एक विकेट है, इंपॉर्टेंट होगा, 3-4 ओवर आपको करके दे सकता है, 1 या 2 या 3 डाउन बैटिंग करेगा। कॉलिन डी ग्रोंडो में हेड टू हेड के अंदर 5 मैच में 93 रन है और 3 विकेट्स है, पिछले मैच में पूरे 3-4 ओवर डाल के चला गया था ये। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 6 विकेट हैं और 1 रन है। जॉर्ज बेल हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पर लास्ट में खेला था पर कोई योगदान नहीं था, बैटिंग नहीं आई भाई की। टॉम आर्टली 6 मैचों में 9 विकेट है, हेड टू हेड नंबर्स अच्छे हैं और जो मैचअप्स इस टीम के अगेंस्ट अच्छा बैठता है, तो इस गेम में टॉम आर्टली आपको एक दो पक्का करता हुआ दिखना चाहिए। मैं कैप्टन होता तो 4 ओवर देता उसको। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 5 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 4 विकेट हैं, 6 मैच खेल के सिर्फ एक बार विकेट लस गया, 14 का स्ट्राइक रेट है, हर 14 बॉल में एक विकेट निकालता है इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू के ऊपर 24 मैचेस में 20 विकेट है, बॉल सेकंड में अच्छे नंबर्स है, लेट्स सी टॉम हार्टली इस मैच में क्या करता है। मैचअप्स अच्छा होगा, जो क्लार्क ही दिखेंगे, एलेक्स हेल्स दिखेंगे, उनके सामने बॉलिंग करना चाहिए, पहले ही ओवर डाल सकता है। इवन ल्यूक वुड 5 मैच में 3 विकेट है, कोई खास नंबर्स नहीं है। ल्यूक वुड भी नॉटिंघम शहर का एक्स प्लेयर है याद रखना। वेन्यू के ऊपर 20 मैच में 26 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट 13 मैच में 20 विकेटें हैं, पिछले मैचेस से अपने वाइस कैप्टन रह रहे हैं ये, 3 विकेट निकाला लास्ट मैच में। पर्किंसन का 8 मैच में 9 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 2 पर बॉल सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 4 मैचेस में 7 विकेट है और इस वेन्यू को तो बहुत पसंद करता है मैट पर्किंसन। 34 मैच खेला है और आज तक इस वेन्यू के ऊपर सिर्फ 4 बार विकेट लेस गया, 52 विकेट्स है, तो मैट पर्किंसन का स्पेल इस वेन्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट गेम में भी देखो बहुत अच्छा स्पेल था। शाकी महमूद का 3 मैच में 3 विकेट है, एटवुड के अंदर वेन्यू के ऊपर 15 मैच के अंदर 14 विकेट हैं, बॉल फर्स्ट 8 मैच में 6 विकेट है, बॉल सेकंड 6 मैचेस में 8 विकेट है। लास्ट टाइम तो लिचेस्टर टीम थी, विकेट्स मिले गए थे, शायद इस गेम में ज़्यादा विकेट्स ना मिले। टॉम बेली 2 मैच में 1 विकेट से, वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 6 विकेट हैं, बेंच वाला प्लेयर है। डेनियल एम्बी बेंच वाला प्लेयर है, बेंच पे बैठेगा मोस्टली रॉब जॉन्स। अब चलते हैं जॉश बोनान की तरफ, इनके स्टार्ट्स दिए मैंने आपसे, डैनी उल्लास के स्टार्ट्स हैं। स्टार्टिंग ओवर शाकिब ल्यूकवुड कॉलिन डी ग्रैंडो में, टॉम आर्टली भी आना चाहिए इस गेम में, डेथ रन के अंदर शाकिब ल्यूकवुड डेरिल मिचेल। अब देखो इनकी पिछले मैच में कैसे बॉलिंग रही थी, ल्यूकवुड का पहला 3rd, 5th, 14th था, शाकिब का 2rd, 6th, 12th, 19th था, कॉलिन डी ग्रैंडो में का 4th, 7th, 9th, 16th, डेरिल मिचेल का 8th, 18th था, पर्किंसन का 11th, 13th, 15th, 17th था। टॉम आर्टली लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया, सेकेंड लास्ट मैच में 6th, 9th डाला था। टॉम आर्टली कैन बी ए गुड फैक्टर इन दिस गेम। जो क्लार्की की बात करते हैं, आते हैं भाई साहब ये नॉटिंगम टीम से, 12 मैचेस खेला है, एक्टिविटी के अंदर 16 की औसत है, 196 रन्स अगेंस्ट लंकशायर, 153 का स्ट्राइक रेट है, कोई खास नंबर्स नहीं है इस टीम के अगेंस्ट, 25-1, 5-4, 6-6, चेस के ऊपर 9, 42-0, 77-17-4। पर इनका कल मैच हुआ था नॉटिंगम का, उस गेम के अंदर भाई साहब अच्छी पारी खेल के आ रहा है ये जो क्लार्क है, 68 करके आ रहा है। वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 9 की एवरेज है, 82 रन है, वैसे एक 40 के ऊपर स्कोर है, वरना एक भी 10 प्लस की पारी नहीं आई है इस वेन्यू के ऊपर है। फॉर्म बहुत अच्छा इसका, 68-54-22-52-7। एलेक्स हेल्स 17 मैचेस के अंदर 626 रन है, 39 की औसत है, एट के अंदर 144 का स्ट्राइक रेट है और खूबसूरत खिलाड़ी है ये, बहुत अच्छे नंबर्स इसके, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट के अंदर, बैटिंग फर्स्ट के अंदर 1, 2, 3, 4 अर्धशतक है, बैटिंग सेकंड में एक भी अर्धशतक नहीं है। वेन्यू के ऊपर 13 मैच में 374 रन से 31 की औसत है और फॉर्म अच्छा है, लास्ट मैच में 12 रन पे आउट हो गया था, इस मैच में कैप्टन रेसर्टन तक कर सकते हो। कॉलिन मंडरो 5 मैच के अंदर 168 रन से अगेंस्ट लंकेशायर, 34 की औसत है, अच्छे नंबर्स है, कुछ ना कुछ हर गेम में किया है इस भाई ने। वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 28 की औसत है और 41 नवाद बैट फर्स्ट, 39-22-1-7-6-53, इनको आप टोटल करोगे तब आपको इनके रन्स मिल जाएंगे। शायद मैं आपको इसका रन्स करना भूल गया था, मैं अभी आपको टोटल करके बताता हूँ, 80-80 और 102-110, 110 और 53, 169 रन है, टोटल 169 रन है कॉलिन मंडरो के इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है याद रखना आप, 169 रन है इस वेन्यू के ऊपर 28 मैचेस के अंदर, 126 का स्ट्राइक रेट है। मैट मोंटेगोर्मी 51 लास्ट मैच में किया, बहुत अच्छी पारी थी इसकी नॉटिंघम के लिए डेब्यू गेम के अंदर ही, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को नहीं लग रहा स्मॉल लीग के लिए। टॉम मूड्स 8 मैच में 134 रन है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी मेरे को नहीं लग रहा, नीचे खेलता ऊपर से, 4 मैचेस में 118 रन है इस वेन्यू के ऊपर, अच्छे नंबर्स है वेन्यू के ऊपर, 2 बार 30 प्लस स्कोर है। स्टीवन मुलानी 17 मैचेस में 9 विकेट है, 92 रन बल्ले से, 8 की इकोनॉमी है, 27 का स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैचेस में 2 विकेट है, बॉल सेकंड 9 मैच में 7 विकेट है, 9 बार विकेटलेस भी गया है। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 2 विकेट है और 34 रन है, कल वाले मैच में 2 विकेट निकाल के गया था। फॉर्म लंडन जेम्स 1 रन प्लस 0 विकेट है,
राइटी बैटर राइट है मीडियम फास्ट। सुमित पटेल 25 मैच के अंदर 429 रन है, 123 का स्ट्राइक रेट है बल्ले से, 28 विकेट्स है, 7 की इकोनॉमी है, 18 का स्ट्राइक रेट है, 23 बार बैटिंग कर चुका है 25 मैच खेल के, 250 और 230-250 के बीच में स्कोर है। बॉलिंग फर्स्ट समित पटेल 10 मैच में 13 बॉल सेकंड 14 मैच में 11 विकेट, 7 बार विकेट लस गया है। वेन्यू कीपर 11 विकेट्स हैं, 13 मैचेस के अंदर 20 का स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, समित पटेल बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन तक कर सकते हो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के अंदर। फॉर्म बहुत ही डिसेंट है समित पटेल का, नीचे आप देख सकते हो 4 रन 0 विकेट, 17 रन 3 विकेट, 2 रन 3 विकेट 1 विकेट है, 12 रन 1 विकेट 2 विकेट देख सकते हो। शाहिशा फरीदी हेडटू हेड नहीं खेला, पर इस वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 2 विकेट है। फ्रॉम पाकिस्तान इस वेन्यू के ऊपर ये 4 मैचेस खेल चुका है इंटरनेशनली, 30 का स्ट्राइक रेट है और फॉर्म नीचे देख सकते हो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। वैसे शाहिशा फरीदी सुपरस्टार बॉलर है, सब जानते हैं इसका जो खेलने का अंदाज है। कार्टर 6 मैचेस में 5 विकेट है हेड टू हेड के अंदर, खास नंबर्स नहीं है, 4 बार तो विकेटलेस गया 6 मैचेस के अंदर। वेन्यू के ऊपर 2 बार खेला, दोनों बार विकेटलेस गया। कॉनर एमसिकर 1 मैच में 0 विकेट है, वेन्यू पे नहीं खेला, नीचे फॉर्म देख सकते हो। हसीब हमीद ये अपने हसीब हमीद भाई साहब देख ले, डैन पेटरसन भी शायद आपको खेलता होने देखा, कैलेवन हैरिसन खेल सकते हैं, 4 मैच में 2 विकेट है। वेन्यू के ऊपर हेड टू हेड के अंदर 3 मैच में 1 विकेट्स है। जैक ब्रूक्स 38 साल का है, मैं देख के शौक था, लास्ट मैच नहीं खेला है बंदा, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर, प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा करके आ रहा था। स्टार्टिंग ओवर शाहिशा अफरीदी, मैथ्यू कार्टर, कॉनर एमसिकर, समित पटेल, इस गेम में एमसिकर को रिप्लेस कर सकते हैं जैक ब्रूक्स। शाहिशा अफरीदी डेथ ओवर में स्टेन मुलानी, कॉनर एमसिकर। पिछले गेम में देखो शाहिशा अफरीदी का पहला तीसरा 17-19 था, स्टार्टिंग के 2 डाले, डेथ के 2 डाले। कॉनर एमसिकर दूसरा छठवा 18-20, इसका रोल मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो पावर प्ले क्लोज करने आया, छठवा ओवर मतलब क्या होता है पावर प्ले का लास्ट ओवर, वो बहुत क्रुशियल ओवर होता है, उसमें बैटर्स मारने को देखता है। फिर 18-20 डाला 2 डेथ में, तो ये खेलता है तो फिर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए लेके चलना, रोल अच्छा है इसका। कार्टर का 4th, 10th, 12th, 14th नॉर्मल, समित पटेल 5th, 7th, 15th, मुलानी का 8th, 11th, 16th, लंडन जेम्स का 9th, मॉन्टगोमरी जो ऑफ स्पिनर उसने 13 ओवर डाला था, ऑफ स्पिनर है, लंडन जेम्स राइट है मीडियम फास्ट बॉलर है लंडन जेम्स। मैचअप्स की बात करें तो सॉल्ट वर्सेज शाहिशा अफरीदी 5 इनिंग्स में एक बार आउट किया, 44 बॉल के अंदर 46 रन देके। ल्यूक विल्स कम खेला है इस टीम के अगेंस्ट, एक ही मैच खेला उसमें नाबाद रहा था, एक्स प्लेयर है वैसे ही। सियोन क्रॉफ्ट वर्सेज समित पटेल 8 इनिंग्स में एक बार आउट किया है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैचअप आता है, लियम वर्सेज समित पटेल, 12 इनिंग्स में 4 बार आउट किया समित पटेल ने लियम लिंगस्टन को 60 बॉल में 71 रन देके। तो लेट्स सी, शाहिशा अफरीदी ने भी रोका है, 14 बॉल में 17 रन दिया, कार्टर ने एक बार आउट किया है। डरेल मिशेल वर्सेज शाहिशा अफरीदी 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 22 बॉल में 22 रन देके। कॉलिन डिग्रोन में कोई खास मैचअप नहीं है, इसका भी कोई खास मैचअप नहीं है। अब चलते हैं एलेक्स सेल्स की तरफ, तो आप देखें आप इनका मैचअप बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे मैट पर्किंसन लेग स्पिनर है वो एलेक्स सेल्स को बहुत परेशान करता है। 6 इनिंग्स के अंदर एलेक्स सेल्स को मैट पर्किंसन ने 4 बार आउट करा है, 27 बॉलों के अंदर 41 रन देके। लिविंगस्टन ने 22 बॉल में 40 रन देके 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। कॉलिन मंडो वर्सेस मैट पर्किंसन 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 22 बॉल में 23 रन देके। बहुत बड़ा मैचअप है ये एलेक्स सेल्स कॉलिन मंडो का अगेंस्ट मैट पर्किंसन द लेग स्पिनर। जो क्लार्क वर्सेस लिविंगस्टन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 17 बॉल में 16 रन बनाए। टॉम आटली ने 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, इसलिए मैं कह रहा था टॉम आटली नई गेंद से बॉलिंग कर सकते हैं पावर प्ले में, 23 बॉल 34 रन 2 बार आउट कर रखा टॉम आटली ने जो क्लार्क को। टॉम मूर्स वर्सेस कोई खास मैचअप नहीं है, सबके सामने एक एक बार आउट हुए हैं। स्टीवन मुलानी और समित पटेल कहाँ रह गए, गिव अवे आएगा आएगा रुक जाओ। समित पटेल वर्सेज टॉम आटली 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 27 बॉल में 28 रन देके। मर्ड पर्किंसन ने 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 20 बॉल में 29 रन देके। तो पर्किंसन तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवन मुलानी वर्सेस पर्किंसन 3 इनिंग्स में एक बार, सबने एक बार आउट कर रखा है इसको। और याद रखो कल है भाई साहब आईपीएल का ग्रैंड फिनाले मैच, 5 लाख रुपये का फ्री गिवअवे, साइन अप कर लेना, रेफर कोड स्टैट्स गुरु है। यहाँ पे खेलने के फायदे क्या है, फ्री में आपको 500 रुपये साइन अप बोनस मिलता है और डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है गिवअवे, और जीरो कमीशन कॉन्टेस्ट यहाँ पे होता है, जैसे कि 100 रुपये एंट्री फीस होगी, 7 लोग खेलेंगे, स्ट्रॉन्ग टू 7 होता है 700, पूरा प्राइस पूल आपको यहाँ पे मिल जाता है, इन्होंने 1 रुपये कमीशन नहीं लिया। तो ऐसे कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है और एंट्री फीस कम है, खेल के देखो क्या जाएगा, मैं नहीं कहूँगा हमेशा खेलो। कॉमन कैप्टन लिविंगस्टन, एलेक्स सेल्स, बड़ी लीग में बनाओ समित पटेल, डैरेल मिचेल, अफरीदी, कॉलिन मंडो को रोटेट कर सकते हो। 1 मिलियन का मिशन है भाई साहब, आपने करा दिया पूरा आईपीएल के अंदर, कहा था आपको आईपीएल में पूरा करा देना, मैं चले जाऊंगा यूट्यूब छोड़ के, फिर रहना आप अकेले।
मोबाइल ऐप अपना स्टैट्स व्यू नाम से वेबसाइट है statsview.com, जाके स्टैट्स देख सकते हो। टीम्स की बात करते हैं तो फिलहाल आपको देखेंगे मेरे कैप्टन डेरिल मिचेल है, 3-4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग में 2 डाउन आ रहे हैं, लिविंगस्टन वाइस कैप्टन है। वैसे यार दिल तो इस मैच में एलेक्स वेल्स को करने का कर रहा है, लास्ट मैच में 12 रन बना के आ रहा है, 25 पॉइंट फैंटेसी के अंदर दिए थे भाई ने सिर्फ, वरना इसका एवरेज हर मैच के अंदर विटालिटी T20 ब्लास्ट में कुछ 60-70 पॉइंट होता है हर मैच में। स्टीवन ग्राफ, कॉलिन मनरो, जो क्लार्के के नंबर्स अगेंस्ट इस टीम खराब रहे हैं, लास्ट के अंदर इसको मैं बलि का बकरा बना सकता हूँ। लास्ट मैच के अंदर 68 रन की पारी खेल के आ रहा है, 111 पॉइंट दिए थे उसने लास्ट मैच के अंदर, गजब। सॉल्टी यहाँ पे मनरो है, समित पटेल को मैंने जब पंत लिया है, 20 इसका सिलेक्शन परसेंटेज है, पर्किंसन का 30 सिलेक्शन परसेंटेज, उसको मैंने पंत के तौर पर लिया है, अफरीदी लिक्विड है। ल्यूक विल्स को ले लेंगे आप, बहुत मन है, जो अपना ल्यूक विल्स प्लेयर है ना ये, पर शाहिन अफरीदी का स्पेल नहीं गेम से इंपॉर्टेंट होगा, या तो सॉल्ट को ले डूब सकता है अफरीदी का स्पेल, या तो ल्यूक विल्स को लेकर डूब सकता है, इस वजह से मैं ल्यूक विल्स पे रिस्क ले रहा हूँ, जिसको जनता भी कम ले रही है, उल्टा पहले मैच में मेरा कैप्टन था ल्यूक विल्स। एलेक्स विल्स, मनरो इंपॉर्टेंट, लिविंगस्टन भी अच्छे पिक है, स्टोन क्रॉफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे, यहाँ से मेरे को फिलिप्स शॉट इंपॉर्टेंट लगे, पर ये भी शाहिन अफरीदी के सामने फंस सकते हैं, जो क्लार्क के भी नंबर्स अगेंस्ट इस टीम खराब रहे, और ल्यूकवुड का स्पेल इंपॉर्टेंट रहेगा इस गेम के अंदर, टॉम हार्टले का स्पेल इंपॉर्टेंट रहेगा, लेट्स सी। डेरिल मिचेल यहाँ पे स्मॉलिंग में, कॉलिन डेरोन में आप लेके जा सकते हो, मैंने समित पटेल लिया हुआ है फिलहाल, वैसे समित पटेल बहुत नीचे खेल रहा है, नंबर 8 नंबर 9 पे खिलाया लास्ट मैच में उसको, तो समित पटेल भी मेरा शायद 10th प्लेयर हो जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मुलानी लास्ट मैच में 3 ओवर बॉलिंग किया और बैटिंग करने भी ऊपर आया था। लुकवुड इंपॉर्टेंट, अफरीदी इंपॉर्टेंट, शाकिब मेरा लास्ट मिनट कॉल रहेगा, पर्किंसन मेरे मस्ट पिक है, और टॉम आर्टली ग्रैंड लीग के अंदर रोटेट करना, कुनार एमसीगर बॉल फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर नॉटिंगहम पहले गेंदबाजी करती है, क्रूशियल लोड्स डाले थे उसने लास्ट मैच के अंदर, तो देखते रहिए स्टैट्स रिव्यू, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, चैनल पर नहीं हो एक ही काम करना रहता है, सब्सक्राइब, घंटी बटन दबाओ और वीडियो को शेयर कर दो यार, क्वालिटी लगी आपको वीडियो तो शेयर जरूर करना, अगर आपको बकवास लगी डिसलाइक का बटन साइड के अंदर है, तो सी सून, जॉइन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।